अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सूप। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है और सबसे हटकर बहुत ही जल्दी और आसान रेसिपी है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले लिया है हमने 1 टीस्पून गार्लिक। इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे, इसमें डालेंगे यानी के जिंजर और ग्रीन चिली, वो भी हमने 1/2 टीस्पून लिया है और ग्रीन चिली भी 1/2 टीस्पून। इसको हमने ज़्यादा रेड नहीं करना, बस लाइट सा इसको हम सॉटे करेंगे, फिर इसमें हम वो भी ऐड कर देंगे। जी, गार्लिक हमारा सॉटे हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर यानी के अदरक। इसे भी सॉटे कर लेंगे लाइट सा और इसमें साथ ही हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिली भी। जी, साथ ही ये देखिए ग्रीन चिली भी हमने 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे। इसको हम लाइट सा सॉटे कर लेंगे और इसमें अब हम अपने डालेंगे लौकी की सब्ज़ी यानी कि घिया श्रीफ, वो इसमें डालेंगे। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट बनने वाली है। अब इसमें डालते हैं हम लौकी। जी, ये हमने लौकी लिया था, 1 कप हमारा लौकी था और इसको हमने इस शेप में कट कर लिया था। साथ हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून। ये हमने लौकी को इस शेप में कट किया था, इसको हमने 5 मिनट तक सॉटे करना है और इसके बाद हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। साथ हम इसमें डालेंगे 1-2 ड्रॉप विनेगर। जी, इसमें अब हम डालेंगे सोया सॉस, 1-2 ड्रॉप सोया सॉस के ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 कप वाटर। जी व्यूअर्स, ये देखिए इसमें हमने 1.5 कप पानी डाला था और इसको अब हमने 5 से 10 मिनट्स तक इसे बॉयल आने देना है और ताकि अच्छे से ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा भी हमने सॉफ्ट नहीं करना, खिले खिले रहने चाहिए। और इसके बाद हम भी इसमें अंडा डालेंगे और आपको डाल के दिखाएंगे कैसा लगता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चलिए जी, अब वेट करते हैं, ओनली 5 मिनट, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, अब इसमें डालते हैं हम, फ्लेम हमने लो कर दी है और इसमें हम अंडा, 1 अदद हमने अंडा लिया था, उसे हमने अच्छे से बीट कर लिया और थोड़ा थोड़ा हम करके डालते जाएंगे ताकि अच्छे से ये इसमें ऑब्जर्व हो जाए। ये बहुत ही मज़े की बनती है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और लंच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी, अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को जब हमने डालना है और साथ ही हमने इसको मिक्स करते जाना है, चम्मच हिलाते जाना है ताकि। जी व्यूअर्स, देखिए सूप हमारा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लग रहा है। चले आपको डिश आउट करके दिखाते हैं और आपको टेस्ट भी करके बताते हैं। जी व्यूअर्स, सूप हमारा रेडी है और चलें ट्राई करते हैं, आपको ट्राई करके दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी है, हॉटी हॉटी, और सर्दियों में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब विंटर का मौसम आ चुका है और स्पेशली वेट लूज जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही है। और देखिए हमने अंडा इस तरह ऐड किया है कि वो चिकन की लुक आ रही है उसमें और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट कर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।